आईएफएस देवराज कौशल ने बिलासपुर वन विभाग में मुख्य वन अरण्यपाल का पदभार संभाल लिया है। जी हां, इससे पहले देवराज कौशल वनमृत धर्मशाला में मुख्य अरण्यपाल के पद पर थे और इससे पूर्व 2012-13 में बिलासपुर में बतौर डीएफओ अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं देवराज कौशल ने कार्यभार संभालते ही अवैध कटान, अवैध कब्जों के साथ ही इल्लीगल माइनिंग व वन सुरक्षा को लेकर वन मंडल अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्हें सख्त आदेश जारी किया है कि इन मामलों में संलिप्त माफियाओं को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा, जिसके लिए जल्द ही टास्क फोर्स का गठन करने की बात कही है। वहीं नवनियुक्त मुख्य अरण्यपाल देवराज कौशल का कहना है कि प्रदेश के विकासात्मक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अक्सर वन विभाग की जमीन दूसरे विभागों को डाइवर्ट करनी पड़ती है, जिससे वन संपदा लगातार घटती जा रही है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि जो वन संपदा विभाग के पास बची है उसे सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए विभाग की टीम मिलकर पूरा प्रयास करेगी। साथ ही उन्होंने इस साल को वन विभाग के लिए शुभ वर्ष बताते हुए जिले में हुई ज्यादातर बरसातों से फायर सीजन में आगजनी के कम मामले सामने आने पर खुशी भी जताई है। जहां तक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का सवाल है, अवैध कटान का सवाल है, हमारे वन विभाग की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। आपको पता है कि जो वनों का घनत्व पहले ही कम हो रहा है, वन क्षेत्र पहले से ही कम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्जन के केस जो जरूरी डेवलपमेंट के लिए है उसमें ज़मीन हमारी डाइवर्ट होती रही है। तो हमारा कर्तव्य है कि जितना वन क्षेत्र हमारे पास है, जितने पेड़ पौधे वनस्पति है, उसकी हम जो प्रोटेक्शन करें, उसके लिए जो है टास्क फोर्स जो गठित की जाएगी और ऐसे शरारती तत्वों से जो इस काम इन्वॉल्व रहते हैं, हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि इन पर नकेल कसेंगे और इन घटनाओं में काफ़ी कमी आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने पिछले कल ही पूरे धर्मशाला बिलासपुर वनमृत का जो रिव्यू रखा था, जिसमें सभी वन मंडल अधिकारी यहाँ पे आए थे, उसमें भी ये मुद्दा जो है हमने रखा था कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के ऊपर, अवैध कटान के ऊपर, इलीगल माइनिंग के ऊपर, इनके ऊपर कोई, और आपका अवैध कब्जा, इसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा और हमारी पूरी कोशिश रहे कि ऐसी घटना जो है कम से कम हो और ऐसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनमें जो भी कार्यवाही बनती है सबसे सख्त कार्यवाही हम लोग करेंगे। इस साल बहुत ही एक सुखद साल वन विभाग के लिए रहा हुआ है। भले ही हमने बहुत सारी तैयारियां गर्मियों के आने से पहले जो है विभाग में करी थी, लेकिन इस साल जो हमारे नंबर ऑफ रेनी डेज हैं वो लगातार जो है वो अच्छी मात्रा में रहे हैं और फॉरेस्ट फ्लोर में नमी रही है। क्योंकि आपको पता है कि अगर फॉरेस्ट फ्लोर में नमी रहती है रेनफॉल की वजह से, तो फायर की घटना, आग की घटना कम होती हैं। तो इस बार ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद रहा हुआ है कि फॉरेस्ट फ्लोर में नमी रही और आगजनी की घटना बहुत कम हुई है।